Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at TAC TV. लिबरल उम्मीदवार की नस्ल परस्ताना पोस्ट नाकाबिले कबूल हैं जस्टिन ट्रूडो। ऑन्टेरियो और कनाडा के पब्लिक एम्प्लॉयज के माबेन मामला तय पा गए। एनडीओ शेयर अमरीकी सेलेक्टिव सर्विस सिस्टम के साथ रजिस्टर्ड हैं कंजर्वेटिव तर्जुमान। कनाडा में इंतखाबी मुहिम जारी, लिबरल्स कंजर्वेटिव से आगे निकल गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुआखजे की तहकीकात में नया मोड़। अमरीकी रियासत कंसास में फायरिंग के नतीजे में 4 अफराद हलाक और 5 जख्मी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वोट फॉर पीपल्स पार्टी ऑफ कनाडा, ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी एंड फ्रीडम। वी बिलीव इन यूनिटी इन डाइवर्सिटी। टेक ऑनरशिप ऑफ कनाडा फॉर शेयर्ड वैल्यूज एंड ड्रीम्स। We are for giving immigrants the best chance to succeed in Canada. I am Tahir Gora, honored to represent Mississauga Malton riding for October 21st federal elections. Are you concerned about your future? We invite you to consider Option Canada. I'm a former Canadian Immigration Officer and a senior case analyst, and I've served the Canadian government for 16 years. I provide accurate assessment on every case, and I'll be happy to assist you in making Canada your home. For the past 26 years, we have assisted professionals, business people, senior managers, and the self-employed worldwide to relocate to Canada. We can help you and loved ones back home live the Canadian dream. Do it once. Do it right. कनाडा के 6 बड़े सियासी रहनुमा आज इलेक्शन के हवाले से मुल्क के सबसे अहम मुबाहिसे में शरीक हो रहे हैं। मुबाहिसा पार्लियामेंट हिल के पास कनाडा म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री क्यूबिक में मुनक्किद किया जाएगा, जिसमें किसी को भी शिरकत की इजाज़त होगी। मुबाहिसे में लिबरल पार्टी के जस्टिन ट्रूडो, कंजर्वेटिव के एंड्रयू शियर, NDP के जगमीत सिंह, ग्रीन्स की एलिजबेथ मै, ब्लॉक क्यूबिको के फोंसुआ ब्लांशेट और पीपल्स पार्टी ऑफ कनाडा के मैक्सिम बर्नियर शरीक होंगे। 2 घंटे पर मुश्तमिल मुबाहिसे में 5 अहम मौजूआत को ज़ेर बहस लाया जाएगा। 6 सियासी जमातों को उम्मीद है कि वो कनाडा के वफाकी इंतखाबात में कामयाब हो जाएंगी, जिसमें पीपल्स पार्टी ऑफ कनाडा के मैक्सिम बर्नियर भी शामिल हैं, जिन्हें इब्तदाई तौर पर मुबाहिसा कमीशन ने इस फहरिस्त से अलग कर दिया था। मुबाहिसे को कनाडा के तमाम बड़े नेटवर्क्स पर नशर किया जाएगा। महंगाई, माहौलियात और तवानाई, मकामी लोगों के मसाइल, क़यादत और आलमी सतह पर कनाडा का मकाम, इंसानी हकूक और इमिग्रेशन जैसे अहम उमूर मुबाहिसे में ज़ेर बहस लाए जाएंगे। मस्कुरा मुबाहिसा कनाडा के इंतखाबात में इनफरादी हैसियत रखता है, जिसमें सियासी रहनुमा आमने सामने बहस करते हैं। इस किस्म के मुबाहिसे 1986 से कनाडा की सियासी तारीख में अहमियत रखते हैं, जबकि इनके नतीजे में वोटर्स की सोच पर गहरा असर पड़ता है, और माहिरीन के मुताबिक इस बात के वाज़ह इम्कानात मौजूद हैं कि वोटर्स अपना वोट तब्दील कर लें। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मर्दान हाउस में ANP सरबरा असफंदियार वली खान से मुलाकात की, जिसमें मौलाना फजल रहमान के आज़ादी लॉन्ग मार्च और धरने से मुतालिक गुफ्तगू की गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मर्दान हाउस में ANP सरबरा असफंदियार वली से मुलाकात की, जिसमें मौलाना फजल रहमान की आज़ादी लॉन्ग मार्च और धरने से मुतालिक गुफ्तगू की गई। बिलावल भुट्टो ने ANP सरबरा से मुलाकात में APC और रहबर कमेटी का इजलास बुलाने की तजवीज़ दी। इस मुलाकात में पीपल्स पार्टी की जानिब से फरहतुल्ला बाबर, नैयर बुखारी, मुस्तफ़ा नवाज खोखर और ANP की जानिब से अमीर हैदर होती, मियाँ इफ्तखार हुसैन और जाहिद खान शामिल हैं। मुलाकात के बाद फरहतुल्ला बाबर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुलाकात में इस बात पर
اتفاق کیا گیا ہے یا اپوزیشن متحد ہے اور اسے متحد رہنا ہوگا۔ شفاف انتخابات وقت کی ضرورت ہے اور انتخابات میں فوج کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ رہنما پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ الیکشن دوبارہ کرائے جائیں، آزادانہ شفاف انتخابات وقت کی ضرورت ہے۔ آزادی مارچ کو کیسے لے کر چلنا ہے یہ دیکھنا ہوگا، دیکھنا ہے ہم کس حد تک جا سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ آزادی مارچ سے متعلق اپوزیشن پارٹی میں مشاورت جاری ہے، اپوزیشن جماعتیں مل کر حکومت کو گھر بھیجیں گی۔ یہ اس بات کا تعین کرے گی کہ ہم موڈیلٹیز کیا اختیار کریں گے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھ لی تھی۔ باٹم لائن یہ ہے کہ اپوزیشن از یونائٹیڈ، ول ریمین یونائٹیڈ، اینڈ ول ڈرائیو آؤٹ عمران خان فرام دا آفس۔ دین وی ڈیمانڈ اینڈ وی ول انشور کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کرائے جائیں۔ این پی رہنما میاں افتخار حسین نے کہا کہ ہماری کوشش ہے 27 تاریخ کو ایسی فضا ہو جس میں سب متحد ہوں، اپوزیشن کا اتحاد چاہتے ہیں۔ فضل الرحمان نے بھی یہی کہا ہے، موجودہ حکومت چاہتی ہے اپوزیشن اتحاد میں دراڑ پڑ جائے، لیکن ہم اتحاد کو کسی طرح ٹوٹنے نہیں دیں گے۔ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ایسی فضا بنائی جائے کہ 27 تاریخ بھی تمام اپوزیشن کی تاریخ بن جائے۔ یعنی مولانا صاحب اس موقع پہ ہم ان کو مشورہ دیں گے اور ایک تجویز پیش کریں گے کہ وہ خود ہی اگر اے پی سی بلائے اور تمام قائدین کا مشترکہ ایک لائحہ عمل اس میں ہو تو اس کی کامیابی کے یعنی امکانات بہت زیادہ روشن ہوں گے۔ آگے بڑھیں گے، خبر شامل کریں گے۔ لبرل رہنما جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ نووا اسکوچیا میں ایک لبرل امیدوار کی جانب سے پرانے سوشل میڈیا پوسٹوں میں دیے گئے تبصرے ناقابل قبول ہیں، لیکن وہ انہیں امیدوار کے طور پر نہیں ہٹا رہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ لبرل رہنما جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ نووا اسکوچیا میں ایک لبرل امیدوار کی جانب سے پرانے سوشل میڈیا پوسٹوں میں دیے گئے تبصرے ناقابل قبول ہیں، لیکن یہ وہ انہیں امیدواروں کے طور پر نہیں ہٹا رہے ہیں۔ سڈنی وکٹوریا میں لبرلز کی جانب سے انتخابات میں حصہ لینے والے ہائمی بیٹسٹ کی جانب سے ہفتے کے آغاز میں مقامی اخبار میں کی جانب سے ماضی میں نسل پرستانہ اور جنسی امتیاز کے بیانات شیئر کرنے کے بعد سوشل میڈیا پر معافی جاری کی گئی تھی۔ بیٹس نے اخبار کو بتایا کہ یہ پوسٹ خام لطیفے تھے جو انہوں نے اپنی زندگی کے ایک مختلف وقت پر کیے تھے، لیکن اب انہیں یہ احساس ہو گیا ہے کہ وہ اشتعال انگیز تھے۔ اونٹیریو کے پلین فیلڈ میں مہم کے ایک پروگرام کے دوران ٹروڈو نے کہا کہ بیٹس نے اپنے اقدامات کی ذمہ داری قبول کی ہے اور معذرت کر لی ہے۔ ٹروڈو نے پوسٹوں میں زبان کو ناقابل قبول قرار دیا، لیکن اس بات پر وہ خوش ہیں کہ بیٹس نے غیر محفوظ طریقے سے معذرت کر لی ہے۔ اونٹیریو سے خبر شامل کریں گے۔ آپ کو بتائیں، اونٹیریو اور کینیڈا کے پبلک امپلائیز کے مابین رات گئے معاہدے کے بعد اونٹیریو میں 55,000 تعلیمی امدادی کارکنوں پر مشتمل ایک ممکنہ ہڑتال کو روک دیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اونٹیریو اور کینیڈا کے پبلک امپلائیز کے مابین رات گئے معاہدے کے بعد اونٹیریو میں 55,000 تعلیمی امدادی کارکنوں پر مشتمل ایک ممکنہ ہڑتال کو روک دیا گیا ہے۔ عارضی 3 سالہ معاہدے کا مطلب ہے کہ پیر کے روز صوبے بھر کے اسکول معمول کے مطابق کھلے رہیں گے۔ وزیر تعلیم اسٹیفن لیچے نے کہا کہ والدین یہ جان کر آسانی سے آرام کر سکتے ہیں کہ حکومت نے ان کے بچوں کو کلاس روم میں رہنے کو یقینی بنانے کے لیے انتھک محنت کی ہے۔ وزیر تعلیم اسٹیفن لیچے نے نئے معاہدے کی کوئی خاص تفصیلات بتائے بغیر کہا کہ یہ منصفانہ اور معقول ہے۔ انہوں نے کہا، معاہدے کے حوالے سے ہم نے کچھ اضافی کامیابی حاصل کی ہے اور یہ صوبے کے طلبہ کے لیے اہم ہے۔ ہڑتال کی صورت میں 2 درجن سے زیادہ اسکول بورڈ کلاس بند رکھنے کے لیے تیار تھے۔ کیوب اونٹیریو اسکول بورڈ کی صدر لورا والٹن نے معاہدے میں تاخیر پر اونٹیریو کے والدین اور طلبہ سے معافی مانگی ہے۔ والٹن نے کہا کہ ان تمام والدین اور طالب علموں کے لیے جو منتظر رہے کہ کل کیا ہو رہا ہے، میں معذرت خواہ ہوں کہ آپ کو یہ خبر دینے میں وقت لگا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ کی زندگی میں خلل پڑا۔ والٹن کا کہنا ہے کہ وہ امید کرتے ہیں کہ اس معاہدے کو ماہ کے آخر تک منظور کر لیا جائے گا۔ کنزرویٹو پارٹی کے ترجمان نے اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ قدامت پسند رہنما اینڈریو شیر امریکی سلیکٹو سروس سسٹم کے ساتھ رجسٹرڈ ہے، جو وفاقی ایجنسی ہے جو اس ملک کے فوجی مسودے کا انتظام کرتی ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کنزرویٹو پارٹی کے ترجمان نے اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ قدامت پسند رہنما اینڈریو شیر امریکی
अमरीकी सेलेक्टिव सर्विस सिस्टम के साथ रजिस्टर्ड है, जो वफाकी एजेंसी है जो इस मुल्क के फौजी मुसवदे का इंतजाम करती है। शेर ने चंद रोज कबल इस बात की तस्दीक की कि वो दोहरी शहरियत रखते हैं। उनके वालिद की पैदाइश अमरीका में हुई थी, लेकिन वो अपनी अमरीकी शहरियत तर्क करने के अमल में है। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने अपनी दोहरी शहरियत को जाहिर क्यों नहीं किया, तो शेर ने कहा कि किसी ने भी उसके बारे में कभी नहीं पूछा था। अमरीकी कानून के तहत 18 से 26 साल की उम्र के तमाम अमरीकी मर्दों को सेलेक्टिव सर्विस सिस्टम, जो अमरीकी फेडरल एजेंसी के पास रजिस्टर्ड होना चाहिए, जो ड्राफ्ट के नाम से जाना जाता है, ऐसे निज़ाम के जरिए फौज में दाखिल होने वाले मर्दों के बारे में मालूमात को बरकरार रखता है। लिबरल रहनुमा जस्टिन ट्रूडो ने इस हवाले से कहा कि शेयर को इस हवाले से खुद को वाजे करना चाहिए था। ट्रूडो का कहना था कि मुझे लगता है कि दोहरी शहरियत रखने से किसी भी सियासतदान को नाअहल करार नहीं दिया जा सकता। तहम मुझे लगता है कि जब आप 37 मिलियन कैनेडियन आवाम के वजीर आजम बनने के लिए मुलाजमत की दरख्वास्त दे रहे हों, तो आपको कैनेडा के साथ ईमानदार होना पड़ेगा। ट्रूडो ने कहा कि मुझे लगता है कि मिस्टर शेयर को उसका जवाब देना होगा। कैनेडा से खबर शामिल करेंगे, आपको बताएं कैनेडा में वफाकी इंतखाबात की मुहिम जारी है, जबकि इस मुहिम के दौरान ऐसा पहली बार हुआ है कि लिबरल्स कंजर्वेटिव से आगे निकल गए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में वफाकी इंतखाबात की मुहिम जारी है, जबकि इस मुहिम के दौरान ऐसा पहली बार हुआ है कि लिबरल्स कंजर्वेटिव से आगे निकल गए। अगरचे ये फ़र्क मामूली नहीं है, लेकिन फरवरी के बाद पहली बार कौमी पोलिंग औसत में लिबरल्स कदामत पसंदों से आगे बढ़ गई है। वो सीट प्रोजेक्शन में भी आगे हैं। तहम इस हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता आया वो अक्सरियत से नशस्तें हासिल कर सकते हैं या नहीं। इस मुहिम के दौरान ना तो न्यू डेमोक्रेट्स और ना ही ग्रीन ने कोई काबिल जिक्र कामयाबी हासिल की है, हालांकि ब्लॉक क्यूबिक ने कामयाबी हासिल कर ली है। कैनेडियन चैनल के एक पोल के मुताबिक कंजर्वेटिव मगरबी कैनेडा में आगे हैं, जबकि ओंटारियो, क्यूबिक और अटलांटिक कैनेडा में लिबरल्स आगे हैं, जिसकी वजह से वो अपनी नशस्तों की बढ़तरी हासिल कर सकते हैं। न्यू डेमोक्रेट्स क्यूबिक में अपनी बेशतर या सभी सीटें खोने के लिए रास्ते पर हैं, लेकिन बीसी और ओंटारियो में कुछ बच सकती हैं, जबकि ग्रीन बीसी में डबल हिंसे रखते हैं जहाँ वो सीटें जीत सकते हैं। इसी तरह अटलांटिक कैनेडा में ब्लॉक क्यूबिको ने हिमायत हासिल की है और वो हाउस ऑफ कॉमन्स में पार्टी की तस्लीम शुदा दरकार 12 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी ऑफ कैनेडा ने मैक्सिम बर्नियर की क्यादत में भी अब तक कोई आवाम की वाज़े हिमायत हासिल नहीं की है। वाज़े रहे कि कैनेडा की आवाम 21 अक्टूबर को वजीर आजम के इंतखाबात के लिए अपना हक के रायदही इस्तेमाल करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुआखजे की तहकीकत में नया मोड़ आ गया। सदर ट्रंप के खिलाफ एक और इत्तला फराहम करने वाला सामने आ गया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुआखजे की तहकीकात में नया मोड़ आ गया। सदर ट्रंप के खिलाफ एक और इतला फराहम करने वाला सामने आ गया है। अटॉर्नी मार्क जेड ने दावा किया है कि मजीद मालूमात फराहम करने वाले शख्स के पास यूक्रेनी सदर से ट्रंप की बातचीत से मुतालिक इब्तदाई अहम नौयत की मालूमात मौजूद है। इतला फराहम करने वाले दोनों अफराद का ताल्लुक CIA से बताया जा रहा है। सदर ट्रंप पर मुमकिन सदारती उम्मीदवार जो बाइडन के खिलाफ कार्रवाई के लिए यूक्रेनी सदर पर दबाव डालने का इल्ज़ाम है। हाउस डेमोक्रेट ने सदर ट्रंप के मुआखजे का ऐलान किया है। अमरीकी रियासत कंसास टेक्योला के सी बार में घुसकर नामालूम मुसल्ला शख्स ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 4 अफराद हलाक और 5 जख्मी हो गए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी रियासत कंसास टेक्योला के सी बार में घुसकर नामालूम मुसल्ला शख्स ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 4 अफराद हलाक और 5 जख्मी हो गए। अमरीकी रियासत कंसास के बार में फायरिंग के नतीजे में 4 अफराद हलाक और 5 जख्मी हो गए। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक अमरीकी रियासत कंसास टेक्योला के सी बार में घुसकर नामालूम मुसल्ला शख्स ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 4 अफराद हलाक और 5 जख्मी हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक टेक्योला बार में फायरिंग करने वाला नामालूम मुसल्ला शख्स फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। फायरिंग के नतीजे में हलाक और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां जख्मियों को तबी इमदाद फराहम की जा रही है। पुलिस के मुताबिक फायरिंग में हलाक होने वाले अफराद की शनाख्त नहीं हो सकी है, जबकि फायरिंग की वजूहत भी सामने नहीं आ सकी है। पुलिस ने जाए वकूआ से गोलियों के खोल इकट्ठे करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। तहम ये वाजे नहीं हो सका है कि हमला आवरों की तादाद कितनी थी। इसी के साथ ही टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी। डेली कनेडियन न्यूज बुलेटिन इन हिंदी एंड उर्दू ओनली एट टैक टीवी।